नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर कमिश्नरेट में ट्रैफिक वायरलेस करने पर अब चालान सिंगापुर पुलिस की तर्ज पर कटने वाला है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज की मदद से पुलिस आपका चालान, फोटो, वीडियो लोकेशन और टाइम घर पर भेज देगी। जयपुर ट्रैफिक पुलिस इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए जल्द 400 से अधिक कैमरे सड़कों पर लगाने वाली है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक राहुल प्रकाश ने बताया, DOIT को जयपुर कमिश्नरेट की ओर से जल्द एक पत्र भेजा जाने वाला है। इसमें अच्छी रेंज और लेंस के कैमरों की डिमांड की गई है, इससे कि ANPR उन कैमरों की मदद से वाहन के नंबर प्लेट को दूर से ही डिटेक्ट करके उनका चालान कर सकेगी। वाहन चालक को पता भी नहीं चलेगा कि उसका चालान हो चुका है। अभी तक सिंगापुर ही एक ऐसा देश है जहां पर ANPR तकनीक से चालान किए जाते हैं। इस चालान का पूरा फीडबैक अब ये कमांड सेंटर तक पहुंचेगा। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में शादी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि महावीर सुथार ने दी रिपोर्ट में बताया कि जून महीने में भारलिया निवासी नारायण, उसके पुत्र प्रकाश फोजमल गुज्जर, रतलाम निवासी चिंटू सुथार व उसकी पत्नी सहित कुछ लोग उसके घर आए और सभी ने नारायण की बेटी सुमन की शादी प्रार्थी के बेटे किशन से करवाने की बात कही। 23 जून को दोनों की शादी करवा दी। इसके बदले लड़की के परिजनों ने प्रार्थी से 4,21,000 रुपए लिए। शादी में पीड़ित ने लड़की को सोने व चांदी के जेवर भी दिए, जिसमें सोने का हार, मंगलसूत्र, अंगूठी व चेन सहित करीब 1 किलो 700 ग्राम चांदी के जेवर दिए। 27 जून को दुल्हन प्रार्थी के घर आई। दूसरे दिन 28 जून को दुल्हन के पीहर के लोग उसे लेने आए और वापस नहीं आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर जिले की पुलिस ने 80 लाख रुपए की फिरौती के लिए महिला को धमकाने वाले रोहित गुदारा गैंग के 3 गुर्गों को पुलिस ने दबोच लिया है। दरअसल 17 जून को ट्रांसपोर्टर लक्ष्मी नारायण की पत्नी छमकू देवी को धमकी दी गई। उन्हें बताया कि वो रोहित गुदारा गैंग के सदस्य हैं और हर हाल में 80 लाख रुपए की फिरौती दें, अन्यथा उनके बच्चों का किडनैप कर लिया जाएगा। छमकू देवी लून करंसर के खारड़ा गांव की रहने वाली है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जय नारायण व्यास कॉलोनी में किराए का मकान लेकर रह रही है। वृत्ताधिकारी वृत्त सदर श्रीमती शालिनी बजाज, DST टीम, साइबर सेल की टीम और जय नारायण व्यास कॉलोनी पुलिस की अलग अलग टीमों ने दिन रात एक करके धमकी देने वालों का पता लगाया। CCTV में आए फुटेज के आधार पर मुलजिमों का रूट चार्ट तैयार किया गया व फुटेज के आधार पर पुलिस ने डाटाबेस तैयार कर बीकानेर के अलावा नागौर, नोखा, जोधपुर, जालौर व सिरोही में छापेमारी की। पुलिस ने जेठू सिंह, किशोर सिंह निवासी सिरोही, मनोज कुमावत सारस्वत को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के एक थाने में तैनात हेड कांस्टेबल पर उसी की दूसरी पत्नी ने रेप और 3 महीने का गर्भ गिराने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित पत्नी का आरोप है कि कांस्टेबल ने पहली पत्नी से तलाक की झूठी जानकारी दी और धोखे में रखकर शादी की। इसके बाद उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसके 3 महीने का गर्भ गिर गया। मामला सवीना थाने का है। पीड़िता की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। वहीं इस मामले में हेड कांस्टेबल का कहना है कि पत्नी आईफोन मांग रही थी, लेकिन जब मैंने दिलाने से मना कर दिया तो मुझे बिना बताए अबॉर्शन करवा दिया। हेड कांस्टेबल ने अपने एक अन्य साथी कांस्टेबल पर पत्नी से मिली भगत कर मामला दर्ज करवाने का आरोप लगाया है। दरअसल 34 वर्षीय हेड कांस्टेबल पहाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 25 वर्षीय पीड़िता खैरवाड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। भीलवाड़ा जिले के बदनौर क्षेत्र में एक ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक अपने काम से घर लौट रहे थे। मृतकों में एक युवक अपने घर का इकलौता था। दोनों की मौत से गांव में मातम छा गया। थाना प्रभारी रामकिशन ने बताया कि बदनौर निवासी सूरज सिंह कछवाहा व मनीष सिंह रावणा बाइक से अपने घर लौट रहे थे। सबल सागर मार्ग पर सामने से आ रहे ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौत हो गई। ट्रेलर को पुलिस ने जब्त कर लिया। परिजनों ने बताया कि सूरज आंसित व मनीष भीम में काम करता था। सूरज अपने घर में इकलौता कमाने वाला था। दोनों की मौत के बाद पूरे गांव में शोक छा गया। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के खलील गांव में चोरी के इरादे से पेट्रोल पंप ऑफिस तोड़ने वाले बदमाशों को पकड़कर कर्मचारियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पंप पर लूट के इरादे से कुछ बदमाशों ने पेट्रोल पंप ऑफिस का कांच फोड़ दिया। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के जागने से 3 बदमाशों को घेरा डालकर पकड़ लिया। इसके बाद तीनों को दोबड़ा पुलिस को सौंप दिया गया।
वहीं एक बदमाश फरार हो गया जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप कार्मिकों ने घटना की सूचना दोबड़ा थाना के बनकोड़ा पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने तीनों को डिटेन कर लिया है। पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके में अभोर्रा गांव की रहने वाली एक महिला अपनी जमीन पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। महिला की उसके पीहर में 7 बीघा जमीन थी जिसे उसकी छोटी बहन के पति ने फर्जी कागजात बनवाकर अपने नाम करवा लिया। अब महिला अपने पति और बच्चों के साथ अधिकारियों के चक्कर काट रही है। रणवीर सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी प्रतिज्ञा के पिता खड़ग सिंह ने पास हलैना थाना इलाके पाली गांव में 35 बीघा जमीन थी। प्रतिज्ञा के पिता का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद 35 बीघा जमीन का हिस्सा किया गया जिसमें प्रतिज्ञा, उसकी छोटी बहन करिश्मा, भाई कृष्णकांत, भाई नितिन और मां हरवती का हिस्से में 7-7 बीघा जमीन आई। 7 बीघा जमीन की कीमत करीब 16 लाख थी। प्रतिज्ञा की छोटी बहन करिश्मा सुरेंद्र ने प्रतिज्ञा के नाबालिग होने के फर्जी दस्तावेज बनवाए और उसके हिस्से की जमीन को हड़प लिया। प्रतिज्ञा बच्चे और पति के साथ कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस पहुंची जहां उसने जमीन वापस लेने के लिए ज्ञापन दिया। जयपुर में देर रात एक कार ने हेड कांस्टेबल को टक्कर मार दी। इससे ज्योति नगर थाने के हेड कांस्टेबल गणपतलाल यादव की मौत हो गई। घटना गज सिंहपुरा के पास कुम्हारों का मोहल्ला के पास सुनसान रास्ते की है। हादसे के बाद गणपत बेहोश हो गया था। वहीं चालक मौके से भाग निकला। स्थानीय लोगों ने गणपत लाल को बदहवास के पास एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना थाना पुलिस ने बताया कि रात को ज्योति नगर थाने से ड्यूटी खत्म होने पर गणपत लाल यादव अपने घर पत्रकार कॉलोनी की ओर जा रहा था। इस दौरान पीछे से एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इलाके में अभी तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है लेकिन मुख्य रोड पर सीसीटीवी फुटेज समय को देखते हुए खंगाले जा रहे हैं। बाड़मेर जिले के सिंधरी पुलिस ने मेगा हाईवे पर 70 लाख की अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा है। फाइबर पैकेट की आड़ में अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। ट्रक में पंजाब निर्मित अलग अलग ब्रांड के 924 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब व बियर भरे हुए थे। पुलिस ने आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में शराब गुजरात भेजी जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मेगा हाईवे पर अवैध अंग्रेजी शराब से भरा ट्रक जा रहा है। इस पर पुलिस ने 4 रास्ते पर नाकाबंदी कर चेकिंग शुरू की। बालोतरा की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली गई तो ट्रक में फाइबर पैकेट्स के नीचे रखे पंजाब निर्मित शराब के कार्टन मिले। पुलिस ने अंग्रेजी शराब व बियर से भरे 924 कार्टन जब्त किए। वह ट्रक ड्राइवर 25 वर्षीय राजूराम निवासी जाटों की बस्ती लखवारा चौटन को गिरफ्तार किया है। आरोपी से अवैध शराब की खरीद फरोख्त को लेकर पूछताछ की जा रही है। सिरोही जिले के स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के नई धनारी कस्बे में बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान से रुपए सहित कई कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। नई धनारी निवासी उकाराम प्रजापत व्यापार के सिलसिले में पिछले लंबे समय से देसावर में रह रहे थे जिसके चलते उनका मकान पिछले लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था। रात को चोरों ने धावा बोल दिया। चोरी की वारदात की सूचना मिलते ही स्वरूपगंज थानाधिकारी हरि सिंह रास पुरोहित घटनास्थल पहुंचे और मौका मुआयना किया। मकान मालिक के आने के बाद इस बारे में पता चल सकेगा कि चोर मकान से क्या क्या चीजें चुरा कर ले गए हैं। हालांकि पुलिस ने इस मकान में दोबारा से ताला लगा दिया है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।